वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं SBI IRCTC प्रीमियर क्रेडिट कार्ड को। बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे, कैसा ये क्रेडिट कार्ड है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या चार्जेज हैं और क्या इसमें फैसिलिटी आपको इस कार्ड में देखने को मिलती हैं, वो सारी बातें फुल डिटेल से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टैग धीरज। वेलकम बेनिफिट की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो आपको 1500 रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं। जैसे ही आप ज्वाइनिंग फीस पेमेंट करते हैं आपको 1500 रिवार्ड पॉइंट अर्न हो जाते हैं, और 2 मंथ के भीतर अगर आप 2000 से ज़्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं इस कार्ड के माध्यम से तो आपको 500 रुपये का बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर मिलता है। बात करते हैं इस कार्ड के रिवार्ड सिस्टम की। अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इस कार्ड के माध्यम से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और AC चेयर क्लास की टिकट बुक करते हैं तो आपको 10% वैल्यू बैक मिलता है रिवार्ड पॉइंटों के रूप में। वही अगर आप IRCTC एयर पर जाकर फ्लाइट की टिकट का बुकिंग करते हैं तो आपको 5% वैल्यू बैक मिलता है रिवार्ड पॉइंटों के रूप में। ई कैटरिंग पर भी आपको 5% वैल्यू बैक मिलता है रिवार्ड पॉइंटों के रूप में। अगर आप डाइनिंग पर और यूटिलिटी बिल पर अगर इस कार्ड से आप 125 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 3 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर इस कार्ड से कुछ भी स्पेंड करते हैं तो आपको 125 रुपये पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। 1 रिवार्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपये के बराबर होती है और ये रिवार्ड पॉइंट तभी आपको अर्न होंगे जब आप लॉयल्टी नंबर को आप IRCTC के अकाउंट से लिंक कर देंगे, तब आपको ये रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इन रिवार्ड पॉइंट की कीमत 1 रुपये के बराबर होती है और इन रिवार्ड पॉइंटों को आप रिडीम करा सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और AC चेयर क्लास की टिकट बुक कराने के लिए। प्रोवाइड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस और फ्रॉड लायबिलिटी कवर। इसमें एयर एक्सीडेंटल कवर होता है 50 लाख रुपए का और ट्रेन एक्सीडेंटल कवर होता है इसमें 10 लाख रुपए का। फ्रॉड लायबिलिटी कवर 1 लाख रुपए तक का होता है। आपका अगर कार्ड खो जाता है और उससे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए तक का जो ट्रांजेक्शन है उस पर किसी भी तरीके का आपको पे नहीं करना पड़ेगा। माइलस्टोन बेनिफिट की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो अगर आप इस कार्ड के माध्यम से 1 साल के भीतर 50,000 स्पेंड कर देते हैं तो आपको 2,500 रिवार्ड पॉइंट अर्न होते हैं। वही अगर आप 1 साल के भीतर 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं इस कार्ड के माध्यम से तो 5,000 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, और 1 साल के भीतर अगर 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाती है। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री IRCTC लॉन्च एक्सेस देखने को मिलते हैं। 1 क्वार्टर के भीतर आप 2 IRCTC लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं, और इसके अलावा फ्यूल सरचार्ज वेवर भी इस कार्ड पर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक करते हैं तो उस पर जो लगने वाला ट्रांजेक्शन चार्ज है 1.8% की आपको छूट उस पर मिलती है। बात कर लेते हैं इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की। ज्वाइनिंग फीस की अगर मैं बात करूँ तो वो है 1500 रुपये प्लस GST, और एनुअल फीस भी है वो है 1500 रुपये प्लस GST। जैसे ही आप ज्वाइनिंग फीस का पेमेंट करते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट अर्न हो जाते हैं 1500, जिनकी कीमत 1500 रुपये के बराबर होती है। 1 रिवार्ड पॉइंट 1 रुपये के बराबर होता है। वही अगर आप एनुअल फीस वे ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 1 साल के भीतर 2 लाख रुपये स्पेंड करने होंगे इस कार्ड के माध्यम से। जैसे ही आप 2 लाख स्पेंड करेंगे आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कर दी जाती है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको जो आवश्यकता होगी एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और इनकम प्रूफ की आवश्यकता होगी। और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए SBICard.com पर जाएंगे, वहां पर जाकर इस कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करूं तो केवल ये ट्रैवल पर ही आपको अच्छे बेनिफिट्स देता है, इसके अलावा इस कार्ड से आपको कहीं भी अच्छे बेनिफिट देखने को नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादा कुछ इस कार्ड में है नहीं और इसका चार्जेबल भी 1500 रुपये प्लस GST है। तो मैं इस कार्ड के लिए आपको तभी रिकमेंड करूँगा जब आपका जो स्पेंडिंग ट्रैवल पर ज़्यादा हो, ट्रेन टिकट या फिर एयर टिकट पर ज़्यादा हो, तभी मैं इस कार्ड के लिए आपको रिकमेंड करूँगा। बाकी मैं इस कार्ड के लिए आपको रिकमेंड नहीं करने वाला, और ऑन एन एवरेज कार्ड है ये। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और मेहनत अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आप मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं।